2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय आम बजट हुआ पेश। एक्सपर्ट ने इस बजट को मिडिल क्लास के लिए हितकारी बताया है। वहीं उनका ये भी मानना है कि रोजगार और महंगाई को लेकर इस बजट में कोई बात नहीं की गई, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भारत भूषण जुयाल ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत विश्व में आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने मिडिल क्लास का विशेष कर ध्यान रखा है। सर, इस बजट को देखा जाए तो आम लोगों की इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, हर पर्सपेक्टिव से, बिजनेसमैन की, कॉरपोरेट्स की, क्योंकि ये जो बजट है वो बीजेपी 2.0 का लास्ट फुल फ्लैज बजट है। तो बिजनेसमैन को, कॉरपोरेट को, आम जनता को, गृहणियों को, सबको इनमें उम्मीदें थी। बट उम्मीदों के हिसाब से ये बजट काफ़ी हद तक और चीज़ें भी दे सकता था, मतलब काफ़ी सेक्टर्स उन्होंने कवर करे, लेकिन जो मेन हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपकी इन्फ्लेशन, जॉब क्रिएशन, जिसके ऊपर सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, उस पर बातें बहुत कम हुई हैं इस बजट में। हाउएवर, आपकी मिडिल क्लास को ऑफ कोर्स बेनिफिट हुआ है, ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर। लाइक पहले 5 लाख तक इनकम के ऊपर, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई टैक्स नहीं था। अब वो इनकम बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, अब 7 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स जो है नहीं है। इस प्रकार का बजट ये आया है, इससे स्पष्ट दिखता है कि भारत जो है एक विश्व स्तरीय आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए बजट में प्रावधान किए गए, रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है देने का, या 75,000 करोड़ रुपए जो लॉजिस्टिक के डेवलपमेंट को दिया है, इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो इसका मतलब भारत जो है एक नए बड़े टेक ऑफ की तरफ तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार से किसानों की स्थिति को लें तो किसानों को 20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया है ऋण या सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, अपने आप में एक उदाहरण है। 2,200 करोड़ रुपये का प्रावधान अलग से किया है मोटा अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, ये भी एक बड़ी योजना है। 6,000 करोड़ रुपए का किसानों को मछली पालन में प्रोत्साहन देने के लिए, इस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, जिसका कि लाभ हो सके किसानों के आय को, जो हम दुगनी करने का लक्ष्य लेकर के चलते थे, उसमें बहुत बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। आदिवासी, पिछड़े और दलितों के कल्याण की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के कल्याण के लिए जो प्रावधान किया गया है बजट में, अपने आप में एक पहल है, बहुत बड़ी पहल है। इसी प्रकार से एकलव्य विद्यालय जो में 38,000 टीचरों की भर्ती का करना, और उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए को दे करके देना आदिवासियों को, दलितों को, वंचितों को मुख्य धारा में लाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार करने जा रही है। इसी प्रकार से आपने देखा कि आम आदमी, मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से इनकम टैक्स में 5 लाख से 7 लाख रुपये की लिमिट, आयकर की सीमा में आय बढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार से जो स्लैब पहले बने थे उसमें हर स्लैब में लगभग 5% जो है आयकर में छूट देने का काम किया है। ये एक आम आदमी को जो है महंगाई, जिसे हम कहते थे कि हुई है स्वाभाविक है, कोरोना के बाद हुई भी थी, उससे बहुत बड़ा राहत का देने का काम ये कर रही है। महिलाओं के क्षेत्र में देखें तो विशेषकर महिला सम्मान बचत पत्र का जारी कर देना, 2 लाख रुपये तक के लिए 7.5% के उनके ऊपर बचत पर देना, बुजुर्गों की सीमा जो है बचत सीमा को 15 लाख से 20 लाख का कर देना, ये अपने आप में बड़े कदम है।